नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहां पर आपके सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर के लेंथ पाम की कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके अंदर पेशेंस लेवल की कमी देखने को मिलेगी और बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट रहने वाली है, जिसके कारण जल्दीबाजी में काम करने की गतिविधि ज़्यादा देखने को मिलती है और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं भी कर पाते हैं। परंतु अपने अंडर में अच्छे से दूसरों से काम करवा सकते हैं और अपने मन मुताबिक काम करना आपको ज़्यादा पसंद रहने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा इससे अफेक्टेड होता है। जैसे मन में बात को रखना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से थोड़ा शर्मिलापन महसूस करना बातचीत में। अदरवाइज थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। नॉर्मली थर्ड फिंगर आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। नॉर्मली जितने भी इस दुनिया में आज के टाइम में बहुत पॉपुलर इंसान है, सबका 100% केसेस में थर्ड फिंगर की लेंथ ही ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य का कारक है और सूर्य नॉर्मली नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी इन सब से इंडिकेट करता है। और आज के टाइम में पॉपुलर होना भी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली बहुत ईजी हो गया। और वैसे भी कलयुग में हस्तरेखा में भी कहा गया है कि हर इंसान के पास नाम ख्याति होगा लेकिन शांति नहीं रहेगा। बस यही हमको देखने को मिलता है। आज किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको फॉलोवर्स किसी का कम नहीं दिखने वाले। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सारे चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ देखा जाए तो थर्ड फिंगर के अलावा देखें तो आपका शुक्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप है, जो कि एक प्रकार से क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होता है। और इस कारण से जैसे आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप बहुत बड़े लेवल तक उसमें पहुंचने वाले रहेंगे। अब कब पहुंचने वाले रहेंगे वो अब फेट लाइन और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ जो है समझ में आएगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि आपका फर्स्ट फिंगर है, उसकी लेंथ बहुत कम है और वहीं गुरु माउंट डेवलप भी ज़्यादा यहाँ नहीं है। तो उस कारण से फैमिली को कहीं ना कहीं आप कम समय दे पाएंगे या फिर आपका रुझान, ध्यान या अनसेटिस्फेक्शन भी अपने फैमिली की तरफ से आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधे खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है। तो उस कारण से आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन ठीक रहने वाले हैं। थोड़ी यहाँ की आर्य रेखा रिलेशंस में अनबन, मतभेद और थोड़े से डिस्टेंस को भी इंडिकेट करता है। बाकी ओवरऑल आप एट द एंड सारे रिलेशन को प्रॉपरली मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका अंदरूनी मंगल विकसित बहुत अच्छा है, बाहरी मंगल भी विकसित बहुत अच्छा है, फैलेंजेस भी डेवलप्ड अच्छा है। तो ऐसे एनर्जी स्टेमिना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जैसा आपका दोनों मंगल एक्टिव है, आप दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सगे संबंधी, अपने प्रियजनों के लिए आप कभी भी ना नहीं करेंगे, हर चीज़ में रेडी रहेंगे उनके सहयोग के लिए। ये बहुत अच्छा यहाँ एबिलिटी देखने को मिला। यहाँ बात करें थंब का, तो थंब का साइज कुल मिला करके देखा जाए तो नॉर्मल है आपका और एकदम सशक्त है। तो हठीपन ज़्यादा रहेगा, ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और हाथापाई से कभी भी आप पीछे भी नहीं हटेंगे। यानी कभी ऐसे सिनेरियो लाइफ में क्रिएट ना हो, आपके भगवान करे, लेकिन गुस्सा आपका इतना तीव्र है और अंगूठे से आपकी एक प्रकार से मानसिकता इतनी मजबूत दिख रही है कि किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर केसेस से भी आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कारण से थोड़ा एग्रेशन पे और जल्दबाजी दोनों पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट फैलेंज के लेंथ सेकंड फैलेंज के कंपैरिजन में नॉर्मल है, दोनों के लेंथ ठीक है। तो इस कारण से कोई भी काम सोच विचार के करेंगे, लॉजिक लगा करके, तो ग्रोथ लाइफ में सक्सेस अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा वाद विवाद में व्यक्ति को विजय बनाती है और यहाँ देखा जाए फर्स्ट फैलेंज में तो यहाँ भी आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है। तो जीवन में कुल मिलाकर के धन आपके अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका एक प्रकार से लंबाई में बहुत ज़्यादा और भारी हाथ है, तो बहुत मजबूत यहाँ आपका व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी अच्छी रहने वाली है और दमखम भी आप अपने पास अच्छा रखने वाले यहाँ रहेंगे। मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर अच्छा रहने वाला है और बेसिकली और ज़्यादा बारीकी पे आए तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप ज़्यादा होने के कारण ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपका आपकी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा है। थिंकिंग जोन ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक्शन जोन भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इस कारण से होता यह है कि सोचते बहुत ज़्यादा है, कर बहुत कम पाते, ख्याली पुलाव आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको आता है। और शुक्र जैसा एक्टिव है और मंगल भी एक्टिव है तो ये बहुत ज़्यादा कामुकता भी देता है, जिसके कारण सेक्सुअल प्लेजर की नीड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और अट्रैक्शन भी बेसिकली अपोजिट जेंडर के प्रति ज़्यादा फील होने लगता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर देख पाएंगे तो आपका यहाँ पर बेसिकली माइंड लाइन से ही और लाइफ लाइन से मर्ज होकर एक प्रोग्रेस लाइन पहुंची है, जो कि एम्बिशियस नेचर को बताती है। तो एम्बिशन,
ड्रीम, डिज़ायर, जुनूनीपन सब चीज़ आपके अंदर रहेगा। अपने इच्छा मनोकामना को पूरा करने के लिए आप किसी भी लेवल की मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे। यही रीज़न है कि जो आपका लाइफ में अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि शुक्र भी डेवलप है और गुरु भी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी रेखा पहुँच रही है। तो इस कारण से कभी भी आप हार मानने वाले एटलीस्ट नहीं रहेंगे। तो ये गुरु पर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला। सैटर्न पर कोई सेपरेट लाइन नहीं है तो सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली मिल नहीं सकता है, यानी लाइफ में हर मुकाम हासिल करने के बाद भी, हर चीज़ हासिल करने के बाद भी वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें सेपरेटली फेट लाइन की आपके, तो फेट लाइन आपके एक प्रकार से लाइफ लाइन से ही निकल रही है, लेकिन ये रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये जो मजबूत हो रही है आपको, ये तकरीबन धीरे धीरे करके आगे चल करके थोड़ा सा जो है यहाँ हार्ट लाइन के पहले रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में थोड़े तामसिक गुण ज़्यादा, इसके कारण भाग्य रेखा भी जो है अफेक्टेड हो रही है। तामसिक गुण में आता है जैसे नॉनवेज और एक प्रकार से दारू, और ये जो किसी भी ऐसे चीज़ का जो लत होता है, नशा, वो ये सारी चीज़ें ये सब तामसिक गुण में आती है। हो सकता है मेरी बात ये पूरी गलत हो, मैं इस बात पे एश्योरेंस नहीं हूँ, लेकिन 80-90% केसेस में जब फेट लाइन होते हुए भी इस प्रकार से ब्लर हो जाए, इट मीन्स कहीं ना कहीं खुद के ही कर्मों में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो बहुत बार बहुत लोगों के केस में देखने को मिलता है कि वो लोग यहाँ दारू पानी करते नहीं हैं, लेकिन उनका भी फेट लाइन इस प्रकार से फेडेड रहता है। तो उसमें कंडीशन कुछ और होती है कि उनके कर्मास फिर कुछ और अलग देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है यही हो, लेकिन अगर ये है तो फिर दिक्कत वाली बात यहाँ बात है। नहीं है तो मुझे उसका भी इन्फॉर्म करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अच्छा सुझाव आपको दे सकूं। अदरवाइज़ यहाँ बात करें आपके बीच की रेखा जो ये नॉलेज और एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज को बताती है, आप दूसरों को गाइड अच्छा कर सकते हैं। सूर्य माउंट थोड़ा सा दब रहा है तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आती है, लेकिन हृदय रेखा के ऊपर से ही सूर्य रेखा निकल के बुध और सूर्य माउंट के बीच में जा रही है, खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी बनाने वाले रहेंगे। क्योंकि ये पहली बात तो सूर्य रेखा जिसके हाथ में उसका लाइफ तो ईजी होता ही नहीं है, खूब भागदौड़ी, खूब स्ट्रगल, खूब यहाँ काम करते रहना, फिर वहाँ भाग के वहाँ काम करना, मतलब मल्टीटास्किंग नेचर रहता है। कोई इतना इजी लाइफ होता नहीं है जितना दिखता है लोगों को। तो इस कारण से वो स्ट्रगल इतना बेहतरीन होने लग जाता है लाइफ में कि कोई भी काम फिर आसान लगने लगता है। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके इतना अच्छा वेल्थ हो जाता है कि प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और ये सारे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। तो आपका प्रॉपर्टी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत बेहतरीन आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है। क्योंकि एक तो शुक्र भी डेवलप है, शुक्र बेसिकली सिर्फ एक कामुकता ही कोई नहीं बताता है, ये अपने मल्टीपल चीज़ों को इंडिकेट करता है, जिसमें से कामुकता जो है थोड़ा मेन इंडिकेशंस देता है, क्योंकि इसी को ये परिचित यहाँ पर करता है। लेकिन शुक्र अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छा घर बार, आप देखते होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, साफ़ सुथरा ध्यान में रखते हैं, जिनको वाइट और एकदम नीट एंड क्लीन वाला एक प्रकार से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो लोगों का शुक्र इस प्रकार से मजबूत खूब देखने को मिलता है। तो ये लोग खान पान के भी खूब शौकीन होते हैं, खूब घूमना फिरना, इनके पास कोई भी व्यक्ति बैठ गया, मतलब आपके पास, वो व्यक्ति अगर हंस नहीं देगा 5 या 10 मिनट के अंदर तो शुक्र फिर ये डिफेक्टिव शुक्र है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को आप मजबूर कर देंगे अपने और अट्रैक्ट करने के लिए, और अपनी बातों से अफेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं बांधे रखने की क्षमता भी अच्छी है। तो ये मेन क्वालिटीज़ शुक्र और सन की जो लाइन है ये दोनों कॉम्बिनेशन करके देती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ जो आपका मर्करी माउंट ये डेवलप्ड अच्छा, तो बोलचाल की कला अच्छी रहेगी, फिंगर में जो थोड़े बहुत दोष थे वो ख़त्म होते हुए दिखते हैं, अपने मन की बात को सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख भी पाते हैं। और यहाँ देखें हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा आपकी एक तो डबल लाइन के साथ यहाँ चल रही है, फिर एक नीचे की ओर रेखा गई, फिर डबल लाइन के साथ चली, और फिर जो मेन लाइन है वो यहाँ पर आपके सैटर्न पर रुकी हुई है। सैटर्न पर जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नेचर के देखने को मिलते हैं, और कैलकुलेटिव स्किल बहुत ज़्यादा होती है, एक एक चीज़ का प्योर हिसाब किताब रखने वाले और लॉजिक लगा के काम करने वाले होते हैं, चाहे जितना भी इमोशंस फीलिंग्स आ जाए, जितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो आपका हेड का रहेगा। हेड मीन्स माइंड का, मीन्स लॉजिक लगा के, मीन्स प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर एक जो आपकी लाइन है वो यहाँ से निकल के गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो एक प्रकार से ऑनेस्ट लॉयल नेचर बनाएगी, मतलब किसी को धोखा आप नहीं दे सकते हैं चाह के भी, किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये व्यक्ति को दिल से थोड़ा साफ करना कहते हैं वो इंडिकेट करता है कि जिससे जैसा भी रिश्ता रखेंगे बिल्कुल क्लियर कट साफ़ सुथरा रखेंगे, कोई इसमें एक प्रकार से दिखावा
वगैरह पसंद है, क्योंकि जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो आपका सबके प्रति स्नेह रहता है लेकिन आप दिखाते नहीं है, तो सामने वाले को लगता है कि बड़ा क्रूर इंसान है, समझता नहीं है। ऐसे कोई ऐसे बहुत सारी अपने अपने लैंग्वेजेस में बातें लोग करते हैं, लेकिन आप के जैसा अंडरस्टैंडिंग कर पाना शायद दूसरों के लिए मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोग बहुत जल्दी उस इमोशंस फीलिंग्स को निकाल देते हैं, आप निकाल नहीं पाते, आपके अंदर वो रहती है। तो ये चीज़ यहाँ इंडिकेट मेनली हो रहा है, यही रीज़न है कि जो बात आपको हर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा कर भी जाती है, क्योंकि बहुत डीपली लाइन आपकी निकल के नीचे की ओर आ रही है और डबल लाइन है, तो थोड़ा सा इमोशंस फीलिंग्स में मतलब माइंड और हार्ट के बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न चलते रहता है कि किसका सुना है, लेकिन एट द एंड आप अपने माइंड का ही सुनेंगे। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में ही, तो माइंड लाइन देखिए यहाँ से सीधे निकलते हुए हार्ट लाइन की तरफ झुका है, फिर उसके एक शाखा नीचे आई है, फिर एक सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ से निकला है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है बहुत बेहतरीन चेंजेस देखने को मिलता है मेंटेलिटी में। पहले कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट ज़्यादा थे, 22-23 की उम्र के बाद से आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी आपकी लाइफ में आई है, या आप अलग हट के काम करना शुरू किए हैं। आगे चल के उम्र के तकरीबन 35 के बाद से आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हो जाने वाले रहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना सुनना विचारना पसंद करेंगे, और एक प्रकार से माइंड लाइन में यहाँ पर बायफोर्क हुआ है आपके, जैसे कि यहाँ एक देख पाएंगे एक यहाँ बना है, तो ये क्लेवर मेंटलिटी को और क्रिएटिव सेंस को बढ़ा देता है। तो 35 के उम्र के बाद से आपकी बहुत ज़्यादा पूछ परख होगी, आपका दिमाग इतना बेहतरीन काम करने लगेगा कि हर जगह से आपके लिए डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका है भी नेचर ऐसा कि कोई भी आपके साथ रहे वो बोर तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिली है। और माइंड लाइन नॉर्मल है तो स्टडीज़ में इतना ज़्यादा फोकस पड़ता नहीं है, लेकिन क्रिएटिव माइंडसेट के लिए ये अच्छा माइंड माना जाता है। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन बहुत मेजरली मर्ज होकर के चल रहा है, तो जो प्रॉपर लाइफ में आपको ग्रोथ या सक्सेस मिल रहा है वो तकरीबन 30+ एज के बाद से मिल रहा है, क्योंकि उसी के बाद से एक सपोर्टिव माइंड लाइन और इंडिपेंडेंट हुई है, और उसी 30-समथिंग एज अराउंड में सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग भी 30 अराउंड एज से ही स्टार्ट होगा, जिसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्रूटफुल और ग्रोथफुल रहने वाली आपकी रहेगी। और यहाँ से रेखा निकल के सीधे चंद्र की तरफ जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग आपके बहुत अच्छे, वैसे भी प्रॉपर्टी योग तो दिख ही रहा है लेकिन सेटलमेंट होने के चांसेस भी यहाँ ब्राइट है। अब जैसे अंदरूनी मंगल से एक रेखा निकल के आपके माइंड लाइन से भी जुड़ी है, तो दूसरों के द्वारा थोड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि डिसीजंस प्लानिंग्स ज़्यादा लेंगे, उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेंगे। बाहरी मंगल डेवलप ज़्यादा है जो कि एग्रेसिव नेचर तो देता है, लेकिन आपका एग्रेशन जो है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन रहेगा, इतना जल्दी शो नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक प्रकार से पराक्रम कहें, सहनशीलता कहें, ये भी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। तो ओवरऑल बाहरी मंगल डेवलप्ड है, तो इस करंट से जिससे भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ लगेगा कि पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, तो ये जो चीज़ है यही आपको बहुत मजबूत बनाएगी किसी के मदद करने के लिए, और यही यहाँ पर नियम कहता है कि आप बहुत अच्छे मित्र के रूप में भी प्रकट होने वाले रहेंगे। अब जैसे शुक्र है, तो ये शुक्र एडिक्शन भी देता है किसी न किसी चीज़ का, इतना ओवर डेवलप शुक्र डिमांड बहुत ज़्यादा करता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो वो किसी न किसी वे में वो एनर्जी निकलना ज़रूरी है। आप जैसे लोगों को यही मैं एडवाइस देता हूँ, और ये काम भी बहुत अच्छा करता है, कि आप कुछ मत करिए, दिन भर में एक बार वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आपकी एनर्जी निकले। अगर यहाँ एनर्जी नहीं निकलेगा तो वो फिर उठपटांग चीज़ों में जो है निकलने वाला रहेगा, जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे से, तो ये चीज़ थोड़ा सा बारीकी से समझें। बाकी यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को बेसिकली इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपको फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ से रिलेटेड फिजूल का टेंशन या रिलेशनशिप को लेकर के भी रह सकता है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। एक बात और है कि आपको सेटिस्फेक्शन जो नहीं भी मिल पाता यहाँ पर, उसका नाता शुक्र से भी है, क्योंकि शुक्र डिमांड इतनी ज़्यादा करता है, एक्सट्रीम लेवल की डिमांड करता है, तो इस कारण से किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल पाना फिर थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। केतु माउंट पर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के लाइफ लाइन डेवलप्ड अच्छी हुई है, एक सपोर्टिव लाइन भी गई हुई है, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी रहेंगी। चंद्र का क्षेत्र जैसे डेवलप ज़्यादा है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा सकारात्मकता जीवन में रखेंगे अच्छा ही अच्छा दिखेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। जहाँ इसमें नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग आई, समझ लीजिए कि उस दिन से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी शुरू। तो ये जो आपका मून है यानी चंद्र का पर्वत है, ये आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा, किसी चीज़ का एक्सप्रेशन अच्छा दे सकते हैं, क्रिएटिव बनाएगा, काल्पनिक यानी इमेजिनेटिव स्किल में बढ़ोतरी करेगा, तो ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव मैनर्स में लेकर चले तो बहुत बेहतरीन बेनिफिट ये देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, इन फ्यूचर ये स्ट्रांग होता है तो उसके बाद से जीवन में धन अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा।
लेफ्ट पाम पर भी देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फेड लाइन है मून के एरिया से निकली है। बर्थ प्लेस से दूर ही लाइफ में ग्रोथ मिलना है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलेगा, मदर अटैचमेंट ठीक रहेगा, मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ओर ज़्यादा आप करेंगे, सुन सबकी लेंगे लेकिन करना एट द एंड मन की है। और यहाँ मनी ट्रायंगल कंप्लीट है, अच्छा धन रहने वाला, उसमें कोई कमी नहीं है और लाइफ आपकी आगे चल के बहुत अच्छी है। बस सेटिस्फेक्शन में दिक्कत है, ओवरऑल कहीं भी मुझे नहीं दिक्कत देखने को मिला जितना अर्जुन जी ने बाकी पाम्स का करवाया है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।